A six-year-old child died in a private school in New Delhi on Saturday. Aam Aadmi Party MLA Devendra Sehrawat said this case will be looked at from the point of view of a criminal negligence. अधिक मैं जो है इसके बारे में कह नहीं सकता क्योंकि अभी इसके ऊपर जांच हो रही है, लेकिन जो जगह है, जो अंदर पानी के टैंक में जिसमें गिरकर बच्चे की जो है ये हादसा हुआ है, वो बहुत काफी अंदर है, दो कमरों के अंदर, और जो उसका ढक्कन है उसके बीच में जगह बहुत कम है, तो वहां पर घुसने के लिए जैसे क्रॉल करके जाना पड़ता है वैसे जाना है, तो बड़ा मुश्किल है, वो अप्रोच ही बड़ी मुश्किल है। पहली बात तो जो है जगह खुली हुई थी उस पंपिंग स्टेशन की नीचे, जहां पर वो अंडरग्राउंड पानी का रिजर्वायर था, उसके बाद इतनी छोटी जगह में बच्चा जो है अंदर गया है और वो डिटेक्ट नहीं हो पाया है, तो सारे मामले निग्लेक्ट के हैं। ऑब्वियसली जब इस तरह का वाक्य होता तो क्रिमिनल निग्लेक्ट है, इससे हानि हो, और बहुत सारे और मामले हैं जहां पर बहुत गंभीरता से इस पूरे मुद्दे की जांच करेगी। द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल अननोन। करेस्पोंडेंट सुशील बत्रा फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर ANI। The father of the six-year-old child who died in a private school in the national capital on Saturday said that the school principal had asked him to stay quiet when he inquired about the incident. He also alleged that this is not a normal case and the school authority is hiding the facts. आपके बेटे को तबियत खराब है और उसको इनको इमरजेंसी में लेके गए स्पाइनल हॉस्पिटल। जब मैंने बार बार पूछा कि हुआ क्या है, मैं एम्स में ले आऊंगा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए तो सही क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, आप इमरजेंसी में पहुंचे। जब मैं इमरजेंसी में पहुंचा तो वहां पर प्रिंसिपल मुझे गेट पे मिल गई, उन्होंने पूछा यू आर देवांश फादर, मैंने कहा हाँ, तो आप इधर आइए, मैंने क्या हुआ मेरे बेटे को, आप आइए, तो वो ले गई मुझे दिखाया, मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बता रहा है कि इज डेड, ऑलरेडी डेड, जब स्कूल से लाए थे तो ये ऑलरेडी डेड हो चुका था, हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आखिर हुआ क्या मेरे बेटे के साथ, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा बेटा के साथ हुआ क्या है। प्रिंसिपल कहती है आप चुप रहिए, मैं थोड़ी देर रुका लेकिन मेरे से रुका नहीं गया, मैंने चिल्ला के पूछा तो उन्होंने चिल्ला के जवाब दिया कि आप चुप रहिए, इसी में आपका फायदा है। मैं वहां से, मेरी वाइफ आ गई, वो भी खूब चिल्लाई, वहां सारे हॉस्पिटल स्टाफ, स्कूल स्टाफ था काफी लोग, उन सबसे पूछा लेकिन किसी ने एक लफ्ज ये नहीं बोला कि आपका बेटा गिरा है टैंक में या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने पुलिस को बताया, जो बताया पुलिस ने हमें बताया कि आपका बेटा टैंक में गिरा था। जब हम पुलिस के साथ वहां जाके देखा तो टैंक था ही नहीं, टैंक तो बहुत अंदर था, बाहर कमरे के लॉक लगा हुआ था, चार कमरे वहां लॉक था, लॉक के अंदर एक कमरा था छोटा सा, उसके अंदर बहुत सारे पाइप्स थे, उसके अंदर से भी एक गेट जा रहा था छोटा सा, ढाई फीट ऊंचा, दो फीट चौड़ा, उसके अंदर जो कमरा बना हुआ था उसकी तो ऊंचाई मात्र दो ढाई फीट थी कि कोई भी आदमी घुटने से चल के रेंग के ही जा सकता है, और उसके भी एक कोने में जाके एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, कह रहे थे इसके अंदर गिरा है, जबकि वो इम्पोसिबल है कि कोई भी बच्चा इतने ताले तोड़ के या ऐसे करके और वहां तक पहुंच पाए, और वहां तक पहुंचने के बाद कोई बच्चा डेढ़ फीट चौड़े के अंदर अगर वो गिरता तो सात साल का था, उसके हाथ भी अटकते, वो खुद भी रोक पाता अपने आप को, बचाने की कोशिश करता, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने आप जाके वहां इतने अंदर तक क्यों जाएगा और कैसे गिरेगा। मुझे लगता है हॉस्पिटल की, स्कूल की इसके अंदर पूरी पूरी साजिश। Meanwhile, Delhi police has assured to take action against those responsible. ये आज हमको 2:40 के आसपास हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बच्चा है जिसका नाम दिव्यांश ककरोड़ा है, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष है, स्कूल में पहली कक्षा का छात्र है, उसकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में लाई गई जिसको मृत घोषित कर दिया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी लीगल एक्शन बनेगा दैट विल टेक, और ये पता लगा है कि एक वाटर स्टोरेज टैंक है जिसमें से इसकी बॉडी जो है वो रिट्रीव की गई। ये पता लगा कि 7th पीरियड के आसपास बच्चा जो है वो क्लास में से मिसिंग हो गया, उसके बाद इन्होंने छानबीन करी, ढूंढा और बच्चे को ढूंढा तो उसकी बॉडी जो एक वाटर टैंक एम्फी थिएटर के नीचे है वहां से रिट्रीव हुई है। दिल्ली पुलिस जो भी लीगल एक्शन बनेगा इसमें जिसके भी खिलाफ होगा पूर्ण तौर पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। Earlier today, a six-year-old was found dead in the septic tank of Ryan International School in Vasant Kunj area of South Delhi. Correspondent Anita Chaudhary from New